ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण आप सभी को। कल से यहाँ पर अणु में शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। विशाल आयोजन है। समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। और इस कथा में सत्संग की विशेष बातें चलेंगी। सत्संग है, बच्चों में संस्कार कैसे पढ़ें। आज हमारे संस्कार बहुत कम हो रहे हैं। हमारी देवभूमि में शिक्षा तो बढ़ रही है बट संस्कार कम हो रहे हैं। बच्चों में संस्कार नहीं है, नशा फैल रहा है, लोग अपनी परंपरा से हटकर अपने परिवार से विरोध में जा रहे हैं। वो संस्कारहीनता बहुत घातक है। उस संस्कारों के लिए विशेष रूप से ये एक तरह संस्कार शिविर है। और इसमें दुर्लभ सत्संग की बातें रहेंगी कि हम मानव जीवन में कैसे हम आगे बढ़ें, अध्यात्म के मार्ग पर टेंशन फ्री होकर कैसे जीते हुए अपने अध्यात्म मार्ग में प्रगति करें। तो ये बहुत सुंदर सत्संग की बातें चलेंगी 13 तारीख से 19 तारीख तक 1 बजे से और 4 बजे तक। समय रहेगा सत्संग का, भागवत कथा का। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, सबको जरूर आना चाहिए। ये दुर्लभ सत्संग है, ये आम कथा की तरह नहीं है, इसलिए आप सबको आना है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। मैं ओंकार सिंह चौहान अनुकला कोरड़ी से आप सबसे भक्तों से विनती करता हूँ कि कल से अनुकला कोरड़ी शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा चलेगी, जिसका टाइम 1 से 4 बजे तक रहेगा और 19 तारीख तक चलेगी। और 19 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया है। तो आप सभी भक्तों से, भाइयों बहनों से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी भागवत में आएं और प्रसाद ग्रहण करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद। जो कथावाचक हैं ये हरिद्वार ऋषि के से स्वामी जी आए हुए हैं, स्वामी नित्यानंद गिरी जी। ये शुरू से जी इसको कम से कम 15 साल से करा रहा हूँ मैं। आप सभी भक्तों से मेरी विनती है, भाइयों बहनों से, बुजुर्गों से कि आपने सत्संग में जरूर आना है, दर्शन देने हैं और कथा का प्रसाद ग्रहण करना है। और लाना मंदिर में कुछ नहीं, ऐसी कोई श्रद्धा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।